हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिजीत सिन्हा एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑल द मिसलेनियस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 10। ओके, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में चलेंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के बाद जो समथिंग टू नो, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत सारा समथिंग टू नो क्वेश्चन में होता है, जो आपका फील्ड वर्क होता है या फिर कुछ अलग को करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है जो आप कॉपी पे वर्क नहीं कर सकते हैं, तो जो कॉपी वर्क होगा वो हम करवाते चले जाएंगे। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली, जिसमें हम लोग चार क्वेश्चन देखे थे, फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड फैमिली ट्रेडिशन। तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ फैमिली। ओके, द फैमिली इज द फर्स्ट लर्निंग प्लेस ऑफ अ चाइल्ड, ये हम लोग यहाँ से देख सकते थे या फिर यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग इज फैमिली। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली जस्ट न्यूक्लियर का अपोजिट होगा, न्यूक्लियर फैमिली यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ फैमिली दैट इंक्लूड्स ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे अलग क्या होगा, द टाइप्स ऑफ फैमिली दैट इंक्लूड्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, फादर, मदर, देयर चिल्ड्रेन एंड देयर सिबलिंग्स। तो ये सारा कुछ जैसे ही ऐड हो जाएगा ये ज्वाइंट फैमिली में चेंज हो जाएगा बस। तो ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, फैमिली एंड नेक्स्ट इज फैमिली ट्रेडिशन। फैमिली ट्रेडिशन इज ऑन पेज नंबर 2। ईच फैमिली फॉलोज सर्टेन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, इट मीन्स एवरी फैमिली हैव देयर ओन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। दे आर द एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली एंड होल स्पेशल मीटिंग फॉर दैट फैमिली। वो क्या होता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, तो दे आर द एक्टिविटीज दैट अकर्स रेगुलरली, उनका वो एक्टिविटीज जो वो रेगुलरली प्ले करते हैं या फिर जो रेगुलरली वो फॉलो करते हैं। एंड होल्ड द स्पेशल मीटिंग फॉर दैट फैमिली, दे आर एन एक्सीलेंट वे ऑफ टीचिंग वैल्यूज लाइक रिस्पेक्ट फॉर आर एल्डर्स, केयरिंग एंड शेयरिंग। ऑलमोस्ट फैमिली ट्रेडिशन सिर्फ इतना ही है, जो फैमिली में जो काम किया जाता है, जो लोग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं या फिर उनके किसी रिचुअल्स को, उनके कस्टम्स को फॉलो करने का जो तरीका होता है, देन इट इज़ कॉल्ड फैमिली ट्रेडिशन। फर्स्ट चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन था। माइग्रेशन चैप्टर से, ह्यूमन माइग्रेशन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ एक, वो है व्हाट आर द रीज़न ऑफ माइग्रेशन एंड नेम देम। द रीज़न ऑफ माइग्रेशन आर पीपल इंसिस्ट फॉर द बेटर जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर लाइवलीहुड, फैमिली कंडीशन एंड टू मेंटेन देयर स्टेटस हायर एंड ऑल्सो fulfill their all basic necessities and prevail luxurious life। ये सारा कुछ के लिए लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, बेटर जॉब के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, ये सारी चीज़ के लिए लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज। अब कह रहे हैं कि माइग्रेशन का जो रीज़न है वो बताना है, तो दो रीज़न से लोग माइग्रेट करते हैं, ऐसे तो कारण बहुत सारा, इतना सारा हम बता ही दिए, बट फीचर्स जो उसका मेन है वो है वॉलंटरी माइग्रेशन एंड फोर्स्ड माइग्रेशन। फर्स्ट वन इज़ वॉलंटरी। वॉलंटरी मीन्स व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन विश, जब कोई अपने इच्छा के अनुसार कहीं मूव करता है देन। सेकेंड वन इज़ व्हेन पीपल मूव फोर्सफुली, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स्ड माइग्रेशन। फोर्स्ड माइग्रेशन मीन्स फोर्स्ड, FORCED, फोर्स्ड माइग्रेशन। फोर्स्ड माइग्रेशन मीन्स व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय काउज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, ड्राउट, फैमाइन etc. फैमाइन आने के कारण, ड्राउट आने के कारण या फिर फ्लड आने के कारण जो लोग एक जगह से दूसरे मूव करते हैं, देन इट इज़ नोन एज फोर्स्ड माइग्रेशन। कुछ अदर माइग्रेशन भी हैं, एनिमल माइग्रेशन, एनिमल के साथ जो लोग घूमते हैं, सच पीपल्स आर नोन एज पैस्टोरलिस्ट, जिनको चरवाहा कहते हैं, जो जानवर को दिन भर जानवर के साथ एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते हैं।
देन कुछ माइग्रेशन होता है एग्रीकल्चर पर्पज से। कैसे? तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए लोग मूव करते हैं, एक जगह पे एग्रीकल्चर किए, वो लैंड का प्रोडक्टिविटी कम हो गया, वो तो उसके फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए उसको कुछ साल के लिए छोड़ दिया जाता है, 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, जिसको हम लोग फैलो लैंड भी कहते हैं। 1 to 5 ईयर, अप टू 1 ईयर, 1 to 5 ईयर एंड मोर देन 5 ईयर, 3 कैटेगरी में फैलो लैंड को डिवाइड किया गया है। तो ये क्यों? हर लैंड का जो मतलब अपना क्वालिटी होता है वो अलग अलग होता है। कुछ लैंड जो है वो 1 साल में ही फर्टिलिटी गेन कर लेता है, कुछ लैंड 1 to 5 ईयर तक में फर्टिलिटी गेन करता है, कुछ लैंड जो है जिसको 5 ईयर से ज़्यादा लग जाता है फर्टिलिटी गेन करने के लिए। देन वी लिफ्ट द लैंड टू रीगेन देयर फर्टिलिटी। ओके, तो बस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए लोग मूव करते हैं, तो ये माइग्रेशन का रीज़न होगा। इस चैप्टर से इतना ही, नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3। फ्रॉम दिस चैप्टर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज स्टिल्ट हाउस, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज एंड फ्लड प्रोन एरियाज। बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे कि है क्या ये तीनों वर्ड। फर्स्ट वन इज स्टिल्ट हाउस। इन कोस्टल एरियाज एंड ऑन आइलैंड पीपल बिल्ट स्टिल्ट हाउस इन दी फ्लड प्रोन एरियाज। हाउसेज आर मेड अप फ्यू फीट अबव द ग्राउंड लेवल टू कीप देम ड्राई। क्यों लोग स्टिल्ट हाउस बनाते हैं? स्टिल्ट हाउस मतलब जो लकड़ी के खंभे पे या फिर बांस पे खड़ा हुआ हाउस होता है, जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे होंगे, ये फिगर स्टिल्ट हाउस का ही है। तो ये क्यों बनाया गया है? ताकि पानी अगर आए या फिर फ्लड आ जाए तो ये अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। नेक्स्ट इज, यहाँ पे लिख भी रहा है, देखिए, अर्न इन द फ्लड प्रोन एरियाज हाउसेज आर मेड अ फ्यू फीट एवव द ग्राउंड। फ्यू फीट ग्राउंड से एवव होता है ये हाउस। क्यों? टू कीप देम ड्राई, खुद को ड्राई रखने के लिए। नेक्स्ट इज, अब यहीं पे देखिए ये वर्ड यूज हो गया, फ्लड प्रोन एरियाज मतलब द एरियाज विच आर जनरली इफेक्टेड विथ फ्लड। तो अगर यहाँ पे फ्लड है और हम ये कह रहे हैं कि द एरिया विच आर इफेक्टेड विथ फ्लड इज नोन एज फ्लड प्रोन एरियाज, तो अगर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, अर्थ क्वेक प्रोन एरियाज, तब क्या करेंगे? सिर्फ फ्लड को हटाएंगे, बाकी सेंटेंस वही रहेगा, द एरियाज विच आर इफेक्टेड विथ अर्थक्वेक इज नोन एज अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। थर्ड चैप्टर से सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 5, बिकॉज 4 इज डिलीटेड फ्रॉम आवर सिलेबस, बट यस, आफ्टर कंप्लीसन अप टू चैप्टर नंबर 13, 13 नंबर चैप्टर तक कंप्लीट करने के बाद हम आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9, ये 3 चैप्टर का अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, समथिंग टू नो एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर ये करवा देंगे। चैप्टर नंबर 4 एंड 7 ये आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है? इस चैनल के वीडियो में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप इस चैनल को मे बी अगर देखना चाहते हैं, वीडियो अगर इससे लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कभी भी कोई भी वीडियो पोस्ट किया जाए तो वो आप तक पहुंच जाए। तो चैप्टर नंबर 4 एंड 7 इसका क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट मिल जाएगा, चैप्टर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, जो हम लोग का डिलीटेड सिलेबस डिलीटेड पोर्शन है, वो हम लोग चैप्टर नंबर 13 तक कंप्लीट करने के बाद चैप्टर नंबर 9 को करवा दिया जाएगा। ओके, एक भी चैप्टर आपका छोड़ेंगे नहीं, ताकि आपको आपका एक भी जो 5 क्लास के SST बुक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपसे मिस ना हो। क्लास 6 में अगर इस चैप्टर से या इस टॉपिक से किसी तरह का कोई टॉपिक मैच करता हो तो आपको उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, कम्युनिटी सर्विसेज। फर्स्ट आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। द क्वेश्चन इज, वॉट डू यू मीन बाई कून्स, सिसंद्रास, चिपको मूवमेंट, वन महोत्सव एंड लास्ट वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज हाउ टू सेव ड्रिंकिंग वाटर। कैसे ड्रिंकिंग वाटर को सेव करेंगे? उससे पहले कून्स, सिसंद्रास, चिपको मूवमेंट एंड वन महोत्सव ये देख लेते हैं। कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1, इट इज कुंड। अ कुंड इज अ वेल दैट लुक लाइक अ सॉसर विच विथ अ कप एट द सेंटर।
इट मीन्स सेंटर में ये कप के जैसा बना होता है, जैसे कप में पानी भरा होता है उसी तरह से ये भी एक सॉसर के जैसा होता है जिसमें पानी भरा होता है। विच इज़ अ कुंड इज़ अ वेल, कुआं के जैसा होता है जिसको कुंड कहा जाता था इन द अर्लियर टाइम। इट इज़ एन अंडर वाटर स्टोरेज सिस्टम टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन द ड्राई रीजन ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात एंड राजस्थान का जो ड्राई रीजन है उस एरिया में वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, वाटर को बचाने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता था, और इस तरह के स्ट्रक्चर को कुंड कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाई सिसंदरा। अ सिसंदरा अ टब लाइक स्ट्रक्चर, ये टब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, वो ज़मीन में बना होता है और ये अलग से बनाया जाता है। वॉज बिल्ट इन कर्नाटक, इट मीन्स सिसंदरा वॉज पॉपुलर इन कर्नाटक। ऑन इम्पॉर्टेंट रोड क्रॉसिंग फॉर द कम्फर्ट ऑफ ट्रैवलर, ट्रैवलर के लिए उनके कम्फर्ट के लिए रोड क्रॉसिंग के पास बनाया जाता है। स्मॉलर सिसंदरास वर बिल्ट फॉर एनिमल, छोटा छोटा सिसंदरा बनाया जाता था एनिमल्स के लिए, और बड़ा सिसंदरा पीपल्स के लिए या रोड साइड ट्रैवलर्स के लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्रिएटेड अवेयरनेस दैट ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। चिपको मूवमेंट क्या था? इट इज़ अ मूवमेंट विच क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल दैट इज ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर आर लाइफ। हमारे लाइफ के लिए ट्रीज कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बताने के लिए चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था या चिपको मूवमेंट शुरू किया गया था लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। नेक्स्ट इज वन महोत्सव। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड बाई प्लांटिंग ट्रीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एवरी ईयर। हर साल जुलाई के फर्स्ट वीक में वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा एक और चीज़ है, इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है ऑन 5 जून, जिसको पर्यावरण दिवस भी कहते हैं, एंड वन महोत्सव को वृक्षारोपण दिवस भी कहते हैं, इट मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सेव ड्रिंकिंग वाटर। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स और वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस। वाटर हार्वेस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, द मेन थीम इज कलेक्टिंग, कलेक्ट करना, स्टोरिंग, जमा करना, एंड यूजिंग रेन वाटर, रेन वाटर को यूज करना। कब और किस लिए? तो फॉर इरीगेशन, सिंचाई के लिए, ड्रिंकिंग पीने के लिए, एंड अदर पर्पसेस, इट मीन्स अदर हाउस होल्ड कोर्स। इन ओल्डन टाइम्स इन इंडिया हैड अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। ईच विलेज सेव रेन वाटर टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट इन ड्राई मंथ। तो क्या करना होगा सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए? हाउ टू सेव ड्रिंकिंग वाटर। फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर और फॉर वाटर हार्वेस्टिंग वी यूज़ द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग वाटर, स्टोरिंग, एंड यूज द रेन वाटर फॉर इरीगेशन और एट द टाइम ऑफ वाटर क्राइसिस के टाइम पे। नेक्स्ट वन इज अगेन वी कम टू दिस पैराग्राफ। अ कुंड इज अ वेल लाइक स्ट्रक्चर, इट इज एन अंडर वाटर स्टोरेज सिस्टम टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन ड्राई रीजन ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। इट इज़ नॉट ओनली इन गुजरात एंड राजस्थान, वी ऑल्सो फॉलो सच टाइप्स ऑफ प्रोसेस टू कंजर्व रेन वाटर और टू स्टोरिंग और टू कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर द पर्पस, फॉर द वेरियस पर्पसेस एंड एट द टाइम ऑफ वाटर क्राइसिस। कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। द चैप्टर नंबर 6 इज लेजर टाइम, इट मीन्स योर फ्री टाइम इज नोन एज लेजर टाइम। इन दिस लेजर टाइम, दिस चैप्टर, वी हैव सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सच एज योगा, आसन, प्राणायाम, चौपाल, नुक्कड़ नाटक। फर्स्ट वन वी आर स्टार्टिंग विथ योगा। आसनास एंड प्राणायाम इज ऑल्सो नोन एज योगा। आसन और प्राणायाम जो है वो योगा का ही फॉर्म है, बट योगा को, आसन को और प्राणायाम को अलग अलग फॉर्म में ले लिया गया है। कम ऑन टू द सीन, योगा हेल्प अस टू लीड अ हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। योगा हेल्प करता है हमारे हेल्दी लाइफ को और स्ट्रेस फ्री लाइफ को मेंटेन करने के लिए। स्ट्रेस फ्री कहने का मतलब है विदाउट एनी टेंशन, किसी तरह का टेंशन नहीं लेने से
और किसी तरह से जो भी टेंशन उसको रिलीज़ करने में ये हेल्प करता है। रिलीज़ करना मतलब टेंशन को हटाना। इट ऑल्सो गाइड्स अस टू अडॉप्ट राइट ईटिंग हैबिट। योगा इज़ अ पार्ट ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर एंड इन रिसेंट टाइम्स इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो चुका है। नेक्स्ट इज प्राणायाम एंड आसनास। फर्स्ट वन इज योगा टीचेस वेरियस आसनास टू बिल्ड एनर्जी टोन और मसल्स एंड कीप आवर बॉडी फिट। इट मीन्स आसन इज फॉर और आसन इज टू बिल्ड एनर्जी टोन और मसल्स एंड कीप आवर बॉडी फिट। योगा डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और वेन्यू। तो योगा की जगह पे आसन भी आप लिख सकते हैं, आसन डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और वेन्यू। किसी तरह का एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और वेन्यू या प्लेस का आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज प्राणायाम। प्राणायाम रेगुलेट्स ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेस आवर बॉडी एज वेल एज माइंड। इट ऑल्सो क्योर्स ब्रीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर लाइक एनजाइटी एंड डिप्रेशन। एनजाइटी थकावट, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा डिप्रेस महसूस करना, बहुत ज़्यादा खुद को टेंस महसूस करना, ये सारे कुछ को ये रिलीज़ करता है। तो ऑलरेडी हम लोग योगा में पढ़ चुके हैं कि योगा जो है वो स्ट्रेस फ्री लाइफ और हेल्दी लाइफ को प्रिवेल करता है या उसको इफेक्ट करता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि हमारे लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए, स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए। दूसरा है, नेक्स्ट वन इज़ एनजाइटी को रिमूव करना, डिप्रेशन रिमूव करना, ये सारे चीज़ के लिए योगा, आसन और प्राणायाम ये तीनों ज़रूरी है। नेक्स्ट इज चौपाल। चौपाल अ मीटिंग प्लेस ऑफ विलेजर्स। पहला लाइन से ही इसको डिफाइन कर दिया है। चौपाल क्या होता है? वो मीटिंग प्लेस होता है विलेजर्स का, मतलब जहाँ पे गांव वाले लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं डिस्कस करने के लिए या फिर बातचीत करने के लिए या फिर समय को बिताने के लिए, टाइम पास करने के लिए। सिंस ओल्डन टाइम अ फेवरेट लेजर टाइम एक्टिविटी इन द विलेजेस हैज़ बीन टू सिट एट अ चौपाल और चाट। द विलेज एल्डर्स एंड द पंचास सिट देयर टू सॉल्व डिस्प्यूट और टू डिस्कस द इशू रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द विलेज। विलेज के स्टेटस को इन्हेंस करने के लिए या विलेज के वेलफेयर के लिए जो कुछ भी टॉपिक हो, जो कुछ भी इशूज हो, उसको डिस्कस करने के लिए, या फिर अगर दो चार लोग के बीच में डिस्प्यूट हो गया हो या फिर दोनों दो चार लोग के बीच में मतभेद हो गया हो, विवाद हो गया हो, एक दूसरे से लोग उलझ गए हों, लड़ाई झगड़ा वाला चीज़ हो गया हो, उसको सुलझाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए भी लोग एक जगह जहाँ मीटिंग बुलाते थे या बैठते थे, इट इज़ नोन एज चौपाल। फाइनली चौपाल इज़ द मीटिंग प्लेस वेयर पीपल सिट टू रीड न्यूज़पेपर, वॉच टेलीविजन, शेयर देयर जॉयस एंड सॉरोस, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड ऑल्सो स्प्रेड देयर नॉलेज, आइडियाज़ एंड टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स और टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन द पीपल। नेक्स्ट इज नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक स्प्रेड अवेयरनेस एंड कैंपेन फॉर इम्पॉर्टेंट इशूज लाइक पॉल्यूशन, इलिटरेसी, करप्शन, राइट ऑफ वुमन ETC। नुक्कड़ नाटक क्या होता है? नुक्कड़ पे, चौराहे पे या रोड साइड में जो लोग पीपल के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक नाटक के थ्रू या फिर किसी कैंपेन के थ्रू अवेयर करते हैं लोगों को किस चीज़ के लिए, तो सम इशूज रिलेटेड टू द सोसाइटी सच एस पॉल्यूशन, इलिटरेसी, करप्शन, राइट ऑफ वुमेन। मतलब इतने सारे इम्पॉर्टेंट मैटर के से रिलेटेड लोगों को अवेयर करना बाय देयर प्ले और बाय देयर एक्ट, इट इज़ नोन एज नुक्कड़ नाटक। इन दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, रिस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेस। इस चैप्टर से भी तीन क्वेश्चन हैं, एनिमिज्म, पीक फेस्टिवल एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। फर्स्ट वन इज एनिमिज्म। द रीजन ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज कॉल्ड द एनिमिज्म। द रिलीजन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, अंडमान एंड निकोबार में रहने वाले लोगों का जो रिलीजन था, इट इज़ कॉल्ड एनिमिज्म। द रिलीजन ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज कॉल्ड द एनिमिज्म। सेकेंड वन इज
pig festival. This one is. Next one. The islanders celebrated most Indian festival like Durga Puja, Pongal, Panguni, Pothiram, Onam, Mahashivratri, Janmashtami, Holi, Diwali, Christmas and Good Friday with dance and music. It means when people celebrate the festivals with dance and music. The Nicobari dance is the traditional dance of Andaman and Nicobar. It can be seen during the Aswari feast, commonly known as the pig festival. उन लोगों का एक Aswari feast होता है, एक जिस मंथ में वो लोग उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं विथ डांस एंड म्यूजिक. सच टाइप्स ऑफ फेस्टिवल इज नोन एज पिग फेस्टिवल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, ड्रेसेस, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. दिस इज नोन एज डाइवर्सिटी. इट मीन्स पीपल, मैनी पीपल लिव इन अ सोसाइटी और लिव इन अ कंबाइंड एरिया और कंबाइंड प्लेस, बट दे फॉलो द डिफरेंट ग्रुप और द फॉलो द डिफरेंट फूड हैबिट्स, ड्रेसेस, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. दिस इज नोन एज डाइवर्सिटी. बट आफ्टर सच टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी दे लिव विथ टुगेदरनेस और दे लिव विथ पीस एंड हारमोनी. इट इज़ नोन एज यूनिटी. दैट्स वाई इंडिया हैविंग द डाइवर्सिटी बट लिव इन यूनिटी. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 10, बिकॉज चैप्टर नंबर 9 इज डिलीटेड फ्रॉम आर पोर्सन. द अर्थ इज राउंड, इट डज नॉट हैव एनी कॉर्नर्स और एजेस. दैट कैन बी यूज एज अ रेफरेंस पॉइंट. इंडिया के ग्लोब में या फिर अर्थ के किसी भी एरिया में अगर हम देखें तो हमको ना तो कॉर्नर मिलेगा और ना ही एज मिलेगा, ना ही कोई किनारा मिलेगा. किनारा नहीं मिलेगा तो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता है. बट इन ग्लोब वी हैव टू रेफरेंस पॉइंट एज एन इमेजिनरी वैल्यू. वॉट इज इमेजिनरी वैल्यू? हिंस टू इन पॉइंट्स ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ इट्स अर्थ दैट आर यूज एज रेफरेंस पॉइंट. दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. द अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड, ऑर्बिट, ग्रिड, कन्वेंशनल सिंबल, स्केच, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, एटलस. ऑलमोस्ट ये सारा क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस किए थे. जैसे लैटिट्यूड क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लाइन विच पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. लॉन्गिट्यूड क्या है? इट इज़ अ वर्टिकल, इट इज़ एन इमेजिनरी वर्टिकल लाइन और वर्टिकल सेमी सर्कुलर लाइन विच पासेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नेक्स्ट इज ग्रिड. ग्रिड इज अ फॉर्मेशन बाई द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. इट मीन्स 180 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड पासिस हॉरिजेंटली एंड 360 लॉन्गिट्यूड लाइन पासिस वर्टिकली. दे इंटरसेक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ ग्रिड ऑन अ ग्लोब. एंड ग्रिड इज ऑल्सो एन इमेजिनरी फॉर्मेशन. नेक्स्ट वन इज ऑर्बिट. ऑर्बिट इज अ पाथ ऑन विच अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. कन्वेंशनल सिंबल, इट इज अ सिंबल विच फॉलोज बाई द होल वर्ल्ड और बाई ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर सम प्लेसेस और फॉर सम सीन्स टू लोकेट ओवर द मैप. विच टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल सिंबल? द सिंबल्स इट इज फॉर रेलवे, फॉर टेम्पल, फॉर चर्चेज, गुरुद्वारा ऑफ अ मॉस्क एटीसी. ये सारे चीज़ के लिए जो भी एक साइन यूज़ करते हैं वो सिंबल कहलाता है. स्केच, इट इज़ अ रफ डायग्राम. इक्वेटर, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ऑल्सो नोन एज लैटिट्यूड विच डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. प्राइम मेरिडियन,
It is an imaginary line which passes vertically mid of the earth. And atlas, it is a bunch of map. A book of map is known as atlas. तो बस अभी तक चैप्टर नंबर 1 to 10 में इतना ही. चैप्टर नंबर 4, 7 and 9, ये तीन जो आपका छूट गया है वो तीन हम लोग चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट करने के बाद करेंगे, क्योंकि 4, 7 and 9 आपके सिलेबस में नहीं है. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू.